बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर जिला हॉस्पिटल में पदस्थ एक नर्स के अपहरण की कोशिश करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों समेत एक युवती को थाने लेकर पहुंची है। वहीं पीड़ित नर्स ने कहा कि युवक से उसकी शादी 1 साल पहले टूट चुकी है, अब युवक ने उसका अपहरण करने की कोशिश की है। वहीं युवक के परिजनों का आरोप है कि युवक को फंसाया जा रहा है। मामले में SP ने कहा कि दोनों को समझाइश देकर घर रवाना कर दिया है। मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। अभी मेरी रात्रि 8:05 में मैं ड्यूटी के लिए निकली थी, तो वहीं थोड़ी देर 5 मिनट बाद अमित भारद्वाज द्वारा, जो बालाघाट निवासी है जिससे मेरी शादी तय हुई थी 1 साल पहले, उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की। इसी संबंध में मैंने लिखित में थाना प्रभारी को लिखा। मेरे भाई और बड़ी मौसी के लड़का, छोटी मौसी के लड़का और बिटिया, तीनों लोग बागेश्वर 1 जनवरी को गए थे। वहाँ से छतरपुर लौट के आए, इसने देख ली, चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे वो वहाँ पर अस्पताल के सामने, इसने देख ली तो इसने झूठी रिपोर्ट लगा दी थाने में। और मतलब शादी आदि तो इनने कैंसिल कर दी जीजा के कहने में, लगन पत्र भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, उसके बाद मैं 5 दिन रह गए थे शादी के, कैंसिल कर दी। ये रात को जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक युवती थाने में आई, उसने बताया कि उसे जबरदस्ती कोई ले जा रहा है। बाद में जब पुलिस ने उसकी बात सुन के और पूरे मामले की छानबीन की तो ये पता चला कि जो व्यक्ति था वो 1 फरवरी को पिछले वर्ष इनकी शादी हो गई थी और बाद में कुछ अनबन हो गई, तो ये पति पत्नी का प्रथम दृष्टया विवाद प्रतीत हुआ है और इसके बाद समझाइश देके दोनों चले।